दौरे पर हैं। यहां पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, आगे भी नहीं छोड़ेगी। आगे भी नहीं छोड़ेगी का मतलब क्या है, ये एकदम साफ है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। तीसरी बार सीएम का ऐसा बयान सामने आया है। सबसे पहले सीएम ने इस तरह का बयान सीएम हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था, फिर एआईसीसी में भी मीडिया के सामने उन्होंने मुखातिब होते हुए यही बात दोहराई थी। और तेलंगाना में सीएम के तीसरी बार ये दोहराए जाने पर कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती और आगे भी नहीं छोड़ेगी, अब इस बयान के सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे और ये बात अशोक गहलोत खुद कन्फर्म कर रहे हैं। मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। या 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 इसका क्या मतलब है कि अगली बार जो है कुर्सी, और मैंने आगे भी कहा था छोड़ेगी भी नहीं। मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। या 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 इसका क्या मतलब है कि अगली बार जो है कुर्सी, और मैंने आगे भी कहा था छोड़ेगी भी नहीं। दरअसल राजस्थान के चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तेलंगाना की कमान संभाल रहे हैं। वहां पर चुनावी समर में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर हैं। तेलंगाना में प्रचार के आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कई बड़े बयान दिए। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने अपनी बात रखी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी कही और राजस्थान में हुए अपनी सरकार के कामों का ब्यौरा उन्होंने तेलंगाना में दिया और बताया कि जो राजस्थान में किया है वैसा ही तेलंगाना में करेंगे, हमें वोट दीजिए। देखिए, हमारी सरकार गिराने की साजिश की थी 2 साल पहले, तब इधर तो हम बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे सीएम हाउस में, उधर 6 जगह रेड चल रही थी चुन चुन करके कार्यकर्ताओं पर, इस प्रकार से तब से लगातार ईडी इनकम टैक्स वहाँ पर घुस रही घरों में, अभी पीसी डिपेंडेंट के घरों में घुस गई, कोई बयान लिए नहीं उन्होंने। आप आशीर्व 10 घंटे अंदर रहे, कोई बयान नहीं लिए, खाली टेलीफोन ले लिए, हम बाद में बात करेंगे। मेरे सर के ऊपर भी कोई एक नया पैरा, 1 रुपया ही कहीं जमा नहीं है दुनिया के अंदर, उसको भी नोटिस दे दिया। तो ये जो जानबूझ के चुनाव चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो और कहीं जगह हो जहाँ उनका बस चला, उन्होंने यही काम किए खाली मैसेज देने के लिए पब्लिक को, बस और कोई नहीं। देखिए, इनकी रेड हो रही है, प्रधानमंत्री जी या योगी महाराज या आसाम के जो मुख्यमंत्री है, ये तमाम लोग एक सी भाषा बोलते हैं कम्युनल भावना को भड़काने के लिए। मैं ये महसूस करता हूँ अब जो है वो पहली बात थी, पहले जमाने में था वैसा हो रहा है, किसी का नहीं रहा, पीएम का नहीं रहा है। पीएम की मीटिंगों में 10-15 हज़ार लोग आते होंगे राजस्थान के अंदर, पता नहीं यहाँ कितने आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बने, कोई जमाना था मोदी 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 बोलते थे लोग, वो कहाँ चला गया।